हमारे बीच में रावर्सन के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अमरलाल कौल जी हैं, जिले के मुख्य आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, अन्य सभी हमारे उप जिलाधिकारी और विभिन्न विद्यालयों से भी अमेरिका की प्रथम नागरिक आदरणीय रूबी जी भी यहाँ आई हुई है। सबसे पहले मैं योगा दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 इंच की दूरी बना लें। बहुत बढ़िया। अब सांस को छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे, झुकाइए। सांस को भरते हुए गर्दन को मध्य में ले आएं। पुनः सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं। पुनः सांस को भरते हुए गर्दन को मध्य में ले आएं। सांस को भरते हुए मध्य में आएं। ये चक्र पूरा हुआ। अब गर्दन को दाएं और बाएं कंधे पर झुकाएंगे। इसके लिए सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाएं कंधे पर झुकाएं। सांस को भरते हुए मध्य में आएं। पुनः सांस को छोड़ते हुए गर्दन को बाएं कंधे पर झुकाएं। सांस को भरते हुए मध्य में आएं। अब गर्दन को दाएं ओर घुमाएं, कंधे की सीध तक ले जाएं। सांस भरते हुए मध्य में आएं। पुनः सांस, बहुत बढ़िया, सांस भरते हुए मध्य में आएं। सामान्य मुद्रा में खड़े हो जाएं। पानी की गति सामान्य रहेगी, सांसों की गति सामान्य रहेगी, सांस नॉर्मल रखेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉक वाइज घुमाइए, 1 2, अब एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, 1 2। सामान्य मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस कंध खिंचाव क्रिया के लिए तैयार हो जाएं। आते हुए ऊर्ध्व दिशा में ले जाएं। ध्यान रखें, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ध्यान रखें कि हथेलियां जांघों को स्पर्श न करें। पुनः एक बार इसी क्रिया को दोहराएंगे। सांस भरते हुए हथेलियों को ऊर्ध्व दिशा में ले जाएं। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे ले आएं। बहुत बढ़िया। अगला है स्कंद चालन क्रिया। इसको करने के लिए दोनों हाथों को उठाकर कुहनियों से मोड़ते हुए हथेलियों को दोनों कंधों पर टिका लें। पहले क्लॉक वाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉक वाइज घुमाना प्रारंभ करें। 1 2 3, खड़े हो जाएंगे। को वच स्थल के सामने उठाएं और हथेलियों को एक दूसरे के सामने घुमा लें। सांस को छोड़ते हुए दाईं तरफ पूरे शरीर को घुमाएं। बहुत बढ़िया। सांस भरते हुए मध्य में आएं। पुनः सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ घूमें। अति सुंदर। सांस को भरते हुए मध्य में आएं। सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। अगला संचालन, सांस को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में जाएं। बहुत बढ़िया। सांस भरते हुए खड़े हो जाएं। एक बार और करेंगे, सांस को छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में जाएं। सांस भरते हुए खड़े हो जाएं। अति सुंदर। सामान्य मुद्रा में खड़े हो जाएं। अब हम लोग योगासन की तरफ गमन करेंगे। खड़े होकर करने वाले आसनों में पहला आसन है ताड़ासन। इसमें शरीर की स्थिति ताड़ के वृक्ष के समान हो जाती है। चक्कर आना होगा, इसीलिए कितना दूर आए। हाँ हाँ सब देख लिया, देख लिया। सामने की तरफ खोलकर सांस को भरते हुए हाथों को ऊर्ध्व दिशा में ले जाएं। सांस भरकर पूरी तरह से सार्थक होता है। बच्चों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। सांस को छोड़ते हुए हथेलियों को खोल लें और धीरे से जांघों के बगल में लगा लें। अगला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन जिन व्यक्तियों को कमर में दर्द होगा या लिगामेंट की प्रॉब्लम होगी वो नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। वृक्षासन करने के लिए तैयार हो जाएं। मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं पैर के जांघों के अंदरूनी हिस्से पर टिका दें। प्रयास करें कि एक गोलाकार चक्र को स्पर्श करें। दोनों हाथों को कंधे की सीध से उठाते हुए ऊर्ध्व दिशा में ले जाएं और आपस में जोड़ लें। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं और धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। अति सुंदर। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए उसके पंजों को दाएं जांघों के अंदरूनी हिस्सों में टिका लें। दोनों हाथों की हथेलियों को बगल से उठाते हुए जिनको कमर में दर्द होगा, पेट में किसी प्रकार की सर्जरी हुई होगी वो इसे नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। इस आसन को करने के लिए दोनों हाथों को वच स्थल के सामने उठाएं और ऊर्ध्व दिशा में ले जाएं। सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे और नाक को घुटनों से सटाने का प्रयास करेंगे। प्रयास करिए।
मित्रों, ये योगा हमारी धरोहर, हमारे ऋषि मुनियों का एक प्रकार से परंपरागत युगों युगों से ये ऋषि मुनि जो खंडराव में रहते थे और जो फल फूल खा करके अपना जीवन जो कहते थे 100 वर्ष तक जिंदा रहते थे, खान पान संयम, इसी को तो हमने आगे बढ़ाया। और हम शांति के पुजारी, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि पूरा दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम का हमेशा नारा हमने दिया है।